अभी मैं आपको चॉकलेट केक, मतलब ऊपर गनाश चॉकलेट के ऊपर, केक के ऊपर गनाश कैसे पोर करना है वो दिखा रही हूँ। ऐसे एक बड़ा सा प्लेट रखो, उसके ऊपर आपको ये जाली रखनी है, ओके। और ये जो केक है मैंने पहले से ही सेट करके रखा है, इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी। इस तरीके से निकाल के मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी, ओके। और अभी हम लोग इसके ऊपर ही गनाश पोर करेंगे, ओके फ्रेंड्स। पहले के वीडियो में गनाश कैसे बनाना है वो मैंने आपको सिखाया था। अभी गनाश कैसे पोर करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ओके। तो डायरेक्टली आप केक के ऊपर गनाश पोर कीजिए इस तरीके से, आपको चाहिए तो आप केक पूरा कवर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप रख सकते हैं। और अगर पूरा कवर करना है तो स्पैटुला घुमा दीजिए इस तरीके से, आपका केक पूरा कवर हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा गनाश है वो बच जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, उसको आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ओके। 8 दिन के लिए आप ये गनाश यूज़ कर सकते हैं फ्रीजर में रख के। देखिए अच्छी तरह से अपना केक डेकोरेट हुआ है। अभी इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चॉकलेट्स वगैरह रखेंगे और इसको स्पैटुला से उठा के हम लोग पैलेट पे लेके आएंगे, ओके। मैंने इसको पैलेट पे निकाल लिया है, अभी हम लोग इसके ऊपर चॉकलेट रखेंगे और साइड से फिर से हम लोग कवर करेंगे। 48 नंबर नोजली है, ओके, सेम इस तरीके से। आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं कर सकते, तो भी अच्छा दिखता है ये केक, लेकिन अभी आपको कवरिंग दिखाना है कैसे करना है इसलिए दिखा रही हूँ। और अभी ये जो मेरे पास 2-3 फेरेरो चॉकलेट्स है ये मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ओके, हमारा चॉकलेट केक रेडी हो गया है।